तो हम लोग का सात क्वेश्चन दिया गया ठीक है तो अभी हम लोग को सॉल्व करने सब क्वेश्चन को तो देखो पहले हम लोग को पूछा गया करंट क्या है तो करंट निकालने के लिए इस सर्किट में हम लोग केवीएल लगाएंगे तो बाय बाय केवीएल हम लोग को क्या मिलता है अगर हम लोग ऐसे मूव करें तो ये हम लोग का आएगा एप्साइलन ई एम एफ आएगा एप्सायलन फिर माइनस ऑफ आई आर ठीक है पोटेंशियल ड्रॉप एट द इंटरनल एजिस्टेंस ऑफ द सेल और माइनस ऑफ आई पोटेंशियल ड्रॉप एट एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो तो आई इज इक्वल टू एफ्लन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ठीक है तो ये हम लोग को मिल गया क्या करंट ठीक है ये जो हम लोग को पहले पूछा गया था करंट ये हम लोग को मिल गया अभी हम लोगों को पूछा पावर आउटपुट तो पावर आउटपुट हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे होता है तो पावर आउटपुट हम लोग का क्या आ जाएगा पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू आई स्क्र आर विच इज इक्वल टू एफ्सैल स्क्वायेर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर इन आर ठीक है तो ये देखो हम लोग को पावर आउटपुट पे मिल गया अभी हम लोग को क्या पूछा गया है रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर सो दैट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज मैक्सिमम ठीक है तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट अगर मैक्सिमम होना है तो हम लोग को डीपी बाई डी आर हम लोग का क्या है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हम लोग का सिर्फ कैपिटल आर है तो डीपी बाई डी कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो हम लोग लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम पी आउट डी पी बाय डी आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो ठीक है तो यह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी डी आर ऑफ अच्छा यहाँ पे देखो डीपी बाई डी आर जो है इसको हम लोग एक सॉरी यहाँ पे जो हम लोग का पी uh, है ठीक है पावर आउटपुट है जो इसको हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग एफसाइलन स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस ऑफ स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर ठीक है ये हम लोग का डीपी बाई डी आर तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा देखो ये हम लोग का कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल तो ये इस, इस फॉर्म में हम लोग ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो हम लोग का क्या आ जाएगा uh, हम लोग देखो अभी हम लोग अच्छा uh, कर लिख लेते हैं स्क्वायर ठीक है तो ये वन डिवाइडेड बाय आर प्लस आर और ये माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर ठीक है एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो ठीक है विच एम्प्लाइज हम लोग का क्या आ जाएगा अच्छा यहां पे हम लोग आ, क्या लिख सकते हैं ये हम लोग का जाएगा, square, आ जाएगा माइनस ऑफ एफसाइलेंस स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर और ये आएगा प्लस टू स्मॉल आर आर प्लस स्मॉल आर होल क्यूब मस्ट बी इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज यहाँ पे एफसाइलेंस स्क्वेयर आएगा तो ये हम लोग का क्या चैलेंज एप चैलेंज में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा ट्वाइस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर ठीक है uh, r r small r, ये आर प्लस स्मॉल आर होल अगर हम लोग uh, ये इस चला जाएगा तो आर प्लस स्मॉल आर होल क्यूब आर प्लस स्मॉलर होल स्क्स आर से चला जाएगा ठीक है दिस मस्ट बी इक्वल टू वन तो हम लोग को क्या मिलेगा ट्वाइस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर दिस इज फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट ठीक है यह हम लोग को मिल गया जो हम लोग को सी uh, में पूछा था रिलेशन बिट्वीन स्मॉल एर कैपिटल आर तो क्या रिलेशन मिला स्मॉल आर मीक्वल टू कैपिटल आर अभी हम लोग को uh, क्या पूछा गया है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट तो वैल्यू क्या आएगा पी इज इक्वल टू क्या था हम लोग का पी इज इक्वल टू स्क्वायर कैपिटल आर डिडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल आर की जगह हम लोग स्मॉल पुट कर देंगे क्या आएगा एफसाइलेंट स्क्वायर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर आएगा एफसाइलेंट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा फोर आर स्क्वायर टू ट्वाइस आर होल इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय फोर आर ठीक है तो ये हम लोग को पी मैक्स मिल गया ठीक है थीके? तो हम लोग को पी मैक्स क्या मिला पी मैक्स इज इक्वल टू एक्साइलेंस स्क्वाय फोर स्मॉल ठीक है तो ये हम लोग को मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल गया अभी हम लोग को क्या पूछा गया है प्लॉट ग्राफ बिटवीन पावर एंड रेजिस्टेंस ऑफ लोड ठीक है तो ग्राफ कैसा आता है देखो ये अगर हम लोग का पावर है ऐसे और यहाँ पे अगर हम लोग एक्स एक्सिस में कैपिटल आर ले लें ठीक है और यहाँ पे वाई एक्स पे हम लोग पावर ले ले तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है ठीक है ऐसे और यहाँ पे मैक्सिमम पावर आता है कहाँ पे कैपिटल आर इज इक्ल टू स्मॉल आर पे हम लोग को क्या मिलता है पी मैक्स जो है वो हम लोग को मिलता है ठीक है तो यहाँ पे देखो यहां पे अगर हम लोग को कोई भी एक वैल्यू ऑफ पी के लिए ठीक है फॉर दिस वैल्यू ऑफ पी हम लोग को दो आ, क्या मिल रहा है दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल रहा है तो दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यूज के लिए हम लोग को एक पावर आउटपुट मिलते हैं ठीक है ये है हम लोग का आर वन ये हम लोग का आर टू तो यहां पे देखो हम लोग को ये जो एफ है ये यही हम लोग ने कर दिया प्लॉट ग्राफ बिटवीन पावर एंड रेजिस्टेंस ऑफ लोड तो एफ में देखो फ्रॉम द ग्राफ वी सी डेट फॉर अ गिवन पावर आउटपुट देर एग्जिस्ट टू वैल्यूज ठीक है जो अभी हम लोग ने देखा कि दो वैल्यूज है टू वैल्यूज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ठीक है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर अच्छा इसको अभी हम लोग को प्रूफ करना है इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले पावर का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या है एपसाइलेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इन टू आर विथ इम्प्लाइज यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग पी को यहाँ पे नीचे लेके आते हैं और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर को उस साइड लेके जाते हैं ठीक है तो हम लोग को क्या मिलेगा विथ इम्प्लाइज क्या मिलता है हम लोग को आर स्क्र प्लस ट्वाइस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एफसाइल नॉट स्क्वेयर बाय पी कैपिटल आर ठीक है तो इससे हम लोग को क्या मिलता है आर स्क्वेयर प्लस आर टू स्मॉल आर माइनस ऑफ एफल नोट स्क्वेयर बाय पी प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो अच्छा अभी देखो हम लोग का जो आ, किसी भी एक क्वाजेरी इक्वेशन होता है तो क्वाजरी इक्वेशन का अगर हम लोग को रूट्स पता है ठीक है तो वो हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं क्वाजरी इक्वेशन का अगर रूट्स पता है तो वो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ठीक है मतलब ऐसे हम लोग देखो अगर हम लोग का एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और उसका रूट्स पता है एक्स स्क्वायर प्लस एस वन प्लस एस टू एक्स ठीक है प्लस एस वन इंटू एस टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है ऐसा हम लोग का आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है आ, आर स्क्वायर है स्मॉल आर स्क्वायर और रूट्स हम लोग का ये कैपिटल आर के लिए रूट्स क्या आर वन आर टू दो वैल्यू आएगा तो ये दो रेजिस्टेंस के लिए और हम लोग का एक सिंगल पावर आउटपुट है ये एक पीक एक सिंगल पावर आउटपुट के लिए आर वन इंटू आर टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर तो हम लोग को मिलता है आर वन इंटू आर टू इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वेयर ठीक है तो ये हम लोग को जो कौन सा पार्ट का क्वेश्चन था जो सिक्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो भी हम लोग ने सॉल्व कर दिया अभी पूछा व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल व्हेन इट इज यूज्ड टू सप्लाई मैक्सिमम पावर अच्छा मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग को देखो uh, जो हम लोग का एफिशिएंसी ऑफ द सेल होता है वो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट होता है तो पावर इनपुट बेसिकली पावर स्पेंड बाय द सेल होता है तो पावर इनपुट जो होता है पावर इनपुट मतलब पावर स्पेंड बाय द सेल उसका वैल्यू था एप्सलेंस स्क्वेयर आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वेयर इंटू क्या आर प्लस स्मॉल आर ठीक है मतलब क्या आएगा एफ साइलेंट नॉट स्क्वेयर अच्छा आ, ये कैंसिल जाएगा तो यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर रहेगा ठीक है थीके? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग को कौन सा केस के लिए निकालने के लिए दिया गया मैक्सिमम पावर तो मैक्सिमम पावर केस में क्या होता है हम लोग का स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आएगा हम लोग का यहाँ पे स्मॉल आर पुट करेंगे तो ट्वाइस आर ठीक है हम लोग का uh, तो क्या, क्या आ गया ट्वाइस आर आ गया अभी देखो अभी हम लोग का जो पावर आउटपुट है ठीक है पावर आउटपुट वो हम लोग का क्या आएगा एफस नॉट स्क्वायर बाय स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर ठीक है by तो ये है क्या आएगा एफ नॉट स्क्वायर बाय फोर आर स्क्वायर इनटू आर ठीक है यहाँ पे कैपिटल आर जगह स्मॉल आउटपुट कर देंगे तो ये क्या आ गया साल नॉट स्क्वायर बाय फोर आर ठीक है तो एफिशिएंसी क्या होता है हम हम लोग लोग का का क्या आएगा ठीक है power, uh, तो एफिशिएंसी हम लोग को तो लो क्या मिला एफिशिएंसी हम लोग को मिला वन बाय टू ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स क्लास सिक्स से लेके नीट आई, आई आई टी मेंस और एडवांस के लेवल तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर